नए किसान बिल के विरोध में आज यूपी में भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। कल पंजाब हरियाणा में किसानों ने दिल्ली की कूच की थी। इस तरफ किसान लगातार बढ़ रहे थे। किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस की भी खासी तैयारियां देखने को मिली, पुलिस को परेशानी भी हुई। अब आज हरियाणा और पंजाब के किसानों को यूपी किसान संगठन का भी साथ मिलने जा रहा है। आज यूपी में भारतीय किसान यूनियन के नेता दिल्ली जाएंगे। इससे पहले कल हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। किसान कानून के विरोध में उतरे किसानों ने सड़क पर उतरकर दिल्ली का रुख किया। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिली थी। तो यूपी बॉर्डर पर भी फिलहाल भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है ताकि जो भी सिचुएशंस हुआ आगे के लिए उनसे निपटा जा सके। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और ये बता दें, आज को यूपी से भी किसान जो है वो दिल्ली का रुख करेंगे, यानी कि यूपी में भी प्रदर्शन है एक तरीके से किसान का जो बिल है उसको लेकर। और दूसरी तरफ किसान कानून को लेकर कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से घमासान देखने को मिला था। बैरिकेडिंग जो है वो उखाड़ दी गई थी, उसके बाद वोटर कैनन का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया था। तो भारतीय किसान यूनियन का समर्थन भी आज किसानों को मिलने वाला है और ये भी इसमें शामिल रहेंगे, यानी कि एक और प्रदर्शन बड़ा रूप जो है वो लेने वाला है, क्योंकि साथ जो है वो भारतीय किसान यूनियन का भी मिलने जा रहा है। और ऐसे में यूपी के किसान भी कूच करेंगे दिल्ली का। लेकिन आप ये बता दें, आपको बॉर्डर पर पूरी तैयारियां की गई हैं और जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो तैयारियां इसी चीज की तैयारियां आज के लिए यहाँ पर की गई है। भारी पुलिस फोर्स तैनात है और सैनिक बल भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और यही तैयारियां कि ये जो भीड़ आएगी, जो किसानों की भीड़ लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि आज यूपी के किसान भी जाएंगे इसमें शामिल होने के लिए, दिल्ली का कूच करेंगे, तो इसीलिए ये तस्वीर बिगड़ती हुई नजर ना आए, इसीलिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। यहाँ पर तमाम फोर्सेस जो है बुला ली गई है, भीड़ उग्र ना हो। भीड़ अगर उग्र होती है तो फिर उस स्थिति में कैसे भीड़ को कंट्रोल करना है, उसके लिए भी यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और उसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारी तादाद में फोर्स जो है वो यहाँ पर बुला ली गई है। और फोर्स जो है वो इसीलिए यहाँ पर बुलाई गई है ताकि अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो फिर उन परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फोर्स का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये भी बता दें आपको, कल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से किसान जो है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे नजर आते हैं। ब्लॉकेज जगह जगह लगाया गया था ताकि किसान जो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं वो आगे और बढ़ते हुए नजर ना, उनको किसी तरीके से वहीं थामा जा सके। लेकिन थमता हुआ ये जो पूरा काफिला कल बढ़ रहा था वो नजर नहीं आया था, क्योंकि भीड़ जो है बीच में वो उग्र हो गई थी और उस बीच बैरिकेडिंग हटाई गई थी, वहां पर से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी और इसीलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी किया गया था। आज भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो इसीलिए तमाम तैयारियां एक बार फिर से पहले से कर ली गई है, क्योंकि यूपी के किसानों का साथ भी मिलने जा रहा है। किसान यूनियन भी आज और किसानों के साथ शामिल नजर आएंगे, यानी कि और बड़ा रूप जो है इस प्रदर्शन का नजर आएगा। आपको बता दें, किसान बिल को लेकर किसानों का यह कहना है कि समर्थन मूल्य जो है वो तय किया जाए और यहाँ पर एमएसपी को लेकर अब शंका में कहीं ना कहीं बने हुए हैं किसान और इसीलिए विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि सरकार का अपना कहना है, सरकार लगातार ये बात कह रही है कि किसान विरोधी नहीं है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं लगातार कि किसान विरोधी है। और कई बार ये भी बातें इसमें उठती हुई नजर आती हैं कि विपक्ष जो है वो पूरी पूरी भूमिका निभा रहा है किसानों को बरगलाने में, गलत फहमी देने में। लेकिन इस बीच किसान जो है वो सड़कों पर जरूर है और उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो फिलहाल कर ली गई हैं, ताकि परिस्थितियां जो है अगर बिगड़ती हैं, अगर ये आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आता है, क्योंकि भीड़ काफी तादाद में यहाँ पर आएगी। कल भी हमने देखा था किस तरीके से किसान जो है ट्रैक्टर्स के जरिए भी आ रहे थे और तमाम जो किसान है वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियां जब आज उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल होंगे इस प्रदर्शन में, तो उसके लिए तमाम तैयारी, बैरिकेडिंग, उसके ऊपर यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं वायर जो है, कटीली तार जो है वो लगाई गई है, ताकि अक्सर हमने ये तस्वीरों में देखा है प्रदर्शन जब होते हैं तो बैरिकेडिंग फांद कर जो है दूसरी तरफ जाया जाता है, फांद कर लोग इधर ना आ पाए, उधर ना जा पाए, इसीलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर कटीली तार भी लगाई गई है ताकि लोग जो है वो इस रास्ते को आसानी से पार ना कर पाए। ब्लॉकेज भी आप देख पा रहे, ब्लॉकेज भी लगाया गया यहाँ पर ताकि जो भी भीड़ यहाँ पर आएगी वो आगे इतनी आसानी से एक साथ ना बढ़ पाए, उन्हें रोकने के लिए तमाम तैयारियां जो है पहले से कर ली गई हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं जो कि अभी तमाम तैयारियां की गई हैं वो नजर आ रही होंगी आपको, किस तरीके से पहले ब्लॉकेज लगाया गया, उसके बाद बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग्स के ऊपर वायर भी लगाई गई है, यहाँ पर कटीली तार लगाई गई है ताकि अगर इधर लोग कूदने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें कामयाबी इन लोगों को हासिल ना हो, इसीलिए तमाम तैयारियां यहाँ पर पहले से कर ली गई हैं, क्योंकि इस रास्ते से जो भीड़ है वो बढ़ेगी दिल्ली की ओर, इसीलिए जो बॉर्डर्स हैं उन पर खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो ये आपको बताते चले, किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से कल जो है किसान लगातार बने हुए थे, लगातार दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे थे।
किसान है वो पानीपत की तरफ से आज सुबह निकल चुके हैं। बहुत से ऐसे ट्रैक्टर हैं जो अब यहां पर धीरे धीरे पहुंचने भी लगे हैं। उसी को देखते हुए दोनों तरफ से बॉर्डर को हरियाणा पुलिस ने, यानी कि दिल्ली से जो भी व्यक्ति आने वाले हैं हरियाणा की तरफ जाने की, वो सड़क पूरी बंद कर दी गई है। और दिल्ली से जो फिलहाल जितना भी ट्रैफिक था वो बाहर भी नहीं जा पा रहा है। और उन किसानों के जो सुरक्षा कारण है, किसान जब आ रहे थे, हमने भी कल देखा था किस तरीके से जब वहां पे वाटर कैन चलाई गई थी, तो इस प्रोटेस्ट के बीच में आम आदमी को कोई परेशानी ना हो उसको देखते हुए फिलहाल सड़कों को रोका तो गया है, लेकिन यहां पर ये चक्का जाम हो गया है। और जो लोग कल रात से निकले हुए थे वो अब तक दिल्ली को भी पार नहीं कर पाए हैं, ना वो पीछे जा पा रहे हैं ना वो बाहर। फिलहाल वरुण भसीन सिंधु बॉर्डर से ज्यादा जानकारी दे रहे थे। और ये बता दें आपको, फिलहाल तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं और ऐसे में सुरक्षा के खास पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भीड़ जब आती है तो फिर उसे रोकना आसान नहीं होता, और इसीलिए अर्धसैनिक बल जो है वो भी तैनात किए गए हैं। यूपी बॉर्डर पर अलर्ट है, बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, हमको कोई हक नहीं अपनी बात करने का। सो ऐसी बातें जो एक काला कानून, काले कानून आए हैं तीनों, उसके बारे में हम जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं, सो उनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने दीजिए, हमको यहाँ से जाने दीजिए, हमको संसद के आगे बैठने दीजिए, या कहीं भी आप बोलोगे दिल्ली में जहाँ कहोगे वहाँ बैठ जाएंगे। हमको ये कोई ऐसे नहीं है कि हमने उनका ग्राह करना है, जहाँ बोलोगे हम वहाँ बैठ जाएंगे। हमने तो अपना रोष करना, रोष प्रकट करना है, ये काले कानून वापस करवाने हैं। मांगे क्या है, प्रमुख मांगे जो MSP का ये बार बार दहाई दे रहे हैं कि MSP हम तोड़ नहीं रहे। MSP हम तो खुद नहीं कर रहे MSP नहीं तोड़ रहे, MSP के हिसाब से खरीद होनी चाहिए। जो ये कॉरपोरेट घरानों को हमारी जमीनें देने की बातें कर रहे हैं, उनको लीज पे जमीनें देने की बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो भी इस कानून में जो किसानों के खिलाफ है वो सारी की सारी बातें हम लेके आए हैं, सारा हम रोष प्रकट करने आए हैं। मेरा नाम यादविंदर सिंह। और वरुण भसीन के पास इस वक्त सीधे चलते हैं, वो ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर करनाल से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है करनाल, को लगभग बहुत बड़ी संख्या में जो किसान है वो पार कर चुके हैं, वो पानीपत की तरफ से इस तरफ बढ़ रहे हैं। पानीपत यहाँ से सिर्फ 62 किलोमीटर दूरी है, और वो सुबह 6:30 के आसपास एक बहुत बड़ा जत्था जहां कल रात को पानीपत में आराम कर रहे थे किसान, जो शाम के 7 बजे के आसपास पानीपत पहुंचे थे, वो अब सुबह आज शाम को 7 बजे निकले हैं। और सुबह 7 बजे निकले हैं और 9:30 से 10 बजे के आसपास वो ट्रैक्टर का जो एक बहुत बड़े जत्थे संख्या में, भारी संख्या में जो किसान है, वो 9:30 से 10 बजे के आसपास इस बॉर्डर पर होंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ पर इस बॉर्डर पर, जो हमें तस्वीरें कल देखने को मिली थी अम्बाला की तरफ, वही तस्वीरें आज भी हमें इस बॉर्डर पर देखने को मिल सकती हैं। उसी के कारण पुलिस ने ये सारे इंतजाम किए हैं और ये लंबा जाम हमें। तो फिलहाल ये जाम की स्थिति भी आप देख सकते हैं, यानी कि जब प्रदर्शन की स्थितियां होती है तो ऐसी स्थिति अक्सर बनती भी नजर आती है, लंबे लंबे जाम देखने को मिलते हैं। और फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से जाम की परिस्थिति बनी, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कल कैसी परिस्थितियां बनी हुई थी, क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, भीड़ लगातार उग्र हो रही थी, आगे बढ़ रही थी, बैरिकेटिंग फेंके जा रहे थे, हटाए जा रहे थे भारी भीड़ की तरफ से, इसीलिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन फिलहाल सिंधु बॉर्डर पर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं वो वरुण ज्यादा जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कैसी लंबी लाइन जो है वो पूरे ट्रैफिक की बनी हुई है, रुका हुआ है ये ट्रैफिक, आम जन के लिए भी परेशानियां यानी कि बढ़ रही हैं। गुफरान और मयंक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान मैं आप ही के पास आती हूँ, गुफरान क्या परिस्थिति है, चले गुफरान के पास जाती हूँ, लेकिन मयंक भी हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक फिलहाल अगर बात की जाए, क्योंकि परिस्थितियां कल हमने देखी किस तरीके की देखने को मिली, बैरिकेटिंग तोड़ी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आज तमाम तैयारियां की गई है, क्या तस्वीर कह सकते हैं आज के हिसाब से नजर आ सकती है, क्योंकि यूपी से भी किसान पहुंचेंगे कहा जा रहा है। देखिए कल जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वो ये बताता है कि आज का दिन और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, खासतौर पे उन फोर्सेस के लिए जो बॉर्डर पे डिप्लॉय की गई हैं, क्योंकि कल तमाम कोशिशों के बावजूद जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस को वाटर कैनन इस्तेमाल करना पड़ा, उसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन का आह्वान है उत्तर प्रदेश के किसानों से कि वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हों, अगर वो उत्तर प्रदेश के किसान अगर वहाँ जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो चुनौती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यूपी का जो बागपत बेल्ट है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर का बेल्ट है, और बाकी जो दिल्ली के आसपास से लगे हुए इलाके हैं, अगर वहाँ से किसान मूव करते हैं तो निश्चित तौर पर ये हालात
हालात और ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं, इसी को देखते हुए अलर्ट बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर बेहद अलर्टनेस बढ़ती जा रही है ताकि जो भीड़ है वो इकट्ठा ना होने पाए। और जिस तरह से शिल्पा आपने कोरोना का जिक्र किया, निश्चित तौर पर कोरोना का यह सेकेंड फेज है और यह बहुत ज्यादा घातक है, इसलिए सरकार के सामने दोहरी चुनौती हो जाती है कि किसी तरह से इस किसानों की जो बढ़ती हुई संख्या उसको बॉर्डर तक न पहुंचने दिया जाए, साथ में जो किसान है उनको कोरोना के संक्रमण से दूर रखा जाए। जहां तक बात एमएसपी को लेके है, लगातार देश के प्रधानमंत्री खुद टीवी पे कई बार सामने आ चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एमएसपी को लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो वो बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला आप सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि सरकारों के लिए, खासतौर पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, या दिल्ली की सरकार हो, या फिर पंजाब की सरकार हो, उनके लिए आपस में एक समन्वय बना के चलने की जरूरत है। क्योंकि पंजाब में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं वो चुनौतीपूर्ण है, हरियाणा में जो हालात नजर आ रहे हैं वो बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर देखने को ना मिले इसीलिए भयंकर तमाम तैयारियां की गई है यहाँ पर, वाकई में सरकारों को तालमेल बैठाने की भी जरूरत है इस बीच जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वापस लौटूंगे आपके पास, गुफरान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुफरान, तमाम तस्वीरें हमने देखी और कयास उससे लगाए जा सकते हैं कि आज की स्थिति किस तरीके की होगी, जो आह्वान किया गया है उससे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल की तस्वीर थी उसको देख करके जाहिर से बात है प्रशासनिक तैयारियां जरूर हैं, लेकिन किसान भी जो है उनकी जो एक तरीके से मांगे हैं, जिस तरीके से हरियाणा या फिर यूपी के दूसरे हिस्सों में जो प्रदर्शन हुए हैं उसके बाद आज जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से प्रदेश के दूसरे जो जनपद हैं, खास करके पूर्वी यूपी हैं, वहां और प्रयागराज में भी देखिए आह्वान किया गया है, यहाँ पर भी तैयारियां, यहाँ 11 बजे के आसपास जो जीटी रोड है उसको जाम करने का एक तरीके से ऐलान किया गया है बाकियों की तरफ से। तो प्रशासन जरूर तैयार है, लेकिन एक तरह से ये कह सकते हैं कि किसान जो है वो आर पार की मोड में है। हालांकि ये जो उनका पूरा मामला है वो अब सियासी रूप ले चुका है, क्योंकि जहां तक देखा जाए तो इस पूरे मामले में राजनीति अब ज्यादा सामने आ रही है, किसानों की जो मांगे हैं वो बहुत कुछ सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि पीएम जैसे आपने अभी मयंक जी ने भी कहा और भी तमाम जगहों पर ये बातें सामने लगातार आ रही हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस पर बात करने को तैयार है। उन्होंने कई मरतबे अपने तमाम संबोधनों में उन्होंने कहा कि अगर कहीं से भी अगर उन्हें लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है, ऐसे हालात में वो बात करने के लिए, लेकिन बात करने के बजाय जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनों के जरिए जो एक तरीके से उग्रता दिखाने की कोशिश की जा रही है, बात बार बार उठ भी रही है कि इस बीच क्या राजनीति ज्यादा होती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर मांगे जो है वो कम नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बार बार ये कह रहे हैं और लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बिल लाए गए हैं उसमें किसानों का कहीं से भी गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया गुफरान आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मयंक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।